ओके तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के मिसलेनियस फॉर्म्स, जिसको हम लोग कुतुरपुतुर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिस जो टाइप फोर है। टाइप फोर मिसलेनियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, मिसलेनियस फॉर्म्स जिसे कुतुरपुतुर भी बोलेंगे। ठीक है, कुतुरपुतुर। तो इसमें करीबन करीबन 6 से 7 फॉर्म हम लोग कवर करेंगे, और ये एक्चुअली देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। जितने भी मेथड्स हमने अभी तक कवर अप किए हैं, उनमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को छोड़ के सभी आपके बोर्ड्स में भी अवेलेबल थे। लेकिन अब इसके आगे की चीज़ें जो हैं वो बोर्ड्स में एक आधी मेथड है जो मैच करेगा, बाकी सब लोग आपका समझो जेई मेन और एडवांस के लिए ही है। राइट, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप आ रहा है, मतलब ये टाइप फोर तो समझो ना, जो अपन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में फोर्थ टाइप ये था जो अपन ने डे वन लिखा था। अब इसमें टाइप वन है, टी वन, जिसका नाम है मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेंड है उसको मैनिपुलेट करके उसे सॉल्व होने के लिए तैयार करना है हमें। फॉर्मूला कुछ नया नहीं रहेगा, फॉर्मूले वही हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, लेकिन आपको देख के क्वेश्चन को ऐसा लगेगा कि यार इसमें क्या करना है। तो उस केस में आपको जो इंटीग्रेंड रहता है उसको मैनिपुलेट करके उसको देखना है कि उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि ये इंटीग्रेबल बन जाए फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा, थ्योरी में कुछ भी नहीं है, नाम रखे हैं बस ऐसे ही। तो 160 कितना आ गया अपना क्वेश्चन, 166 इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू, अब जैसे मान लो यहाँ पर x प्लस वन होता तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, अभी अभी सीखा, और नहीं भी सीखा होता तो पहले भी कर सकते थे इसको, तुम जुगाड़ करके भी। यहाँ x स्क्वायर प्लस वन होता तो भी कर लेते आराम से, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट अभी निपटाए हैं। अगर यहाँ पर x क्यूब प्लस वन होता तो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि यहाँ 20, 21 लिखा है तो आप इसके फैक्टर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है, ये है अपना इंटीग्रेंड 1 अपॉन दिस पूरा कार्यक्रम, इसको मैनिपुलेट करना है ताकि ये तैयार हो जाए कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो वो अब हम जनरल क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, और दूसरा एक क्वेश्चन ले लेंगे dx अपॉन, ये अपॉन में नहीं है मतलब और करके ऐसा लिखा मैंने, dx अपॉन x इंटू x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो फंक्शन है एक्चुअली x की पावर n जो ज़्यादा पावर है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, तो इसकी प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, n x की पावर n माइनस वन यहाँ लिख दिया, इसका मतलब आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो n का तो कार्यक्रम यहाँ सेट हो गया, और ये x की पावर n माइनस वन था तो यहाँ x की पावर n कर दो, सेटलमेंट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना चाहिए भाई धीराज, पुट x की पावर n इक्वल टू t, तो पुट x की पावर n इज इक्वल टू t, तो ये जो पूरा को पूरा है ये dx dt बन गया, तो 1 अपॉन n dt अपॉन t इंटू टी प्लस वन, ऐसा हो गया। तो 1 बाई n, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस वन इंटू डी टी, तो 1 बाई एन
ln mod t माइनस ln mod t प्लस वन प्लस c, तो वन बाई n ln mod ऑफ t बाई t प्लस वन प्लस c, और t हमने किसको माना था, x की पावर n को, तो वन बाई n ln mod x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन प्लस c। आगे समझ में? इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें आंसर आ जाएगा 1 बाई एन एल एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन। चेक कर लो, और अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इजी था। इसमें दूसरा तरीका ये भी सोच सकते हैं कि मतलब अभी तो हमने इसमें क्या सोचा कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे कर लिया, या जो भी बड़ी पावर होती है ना उसको हमेशा कॉमन निकाल लेना चाहिए ब्रैकेट से, फिर जो छोटी पावर बाहर थी उसके साथ एडजस्ट करके आपको दिख जाएगा किसको टी मानना है। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अभी कुछ और एग्जांपल लेंगे तो मिटा दूं। वन सिक्सटी सेवन इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर सेवन डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर फाइव वन सिक्सटी एट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर 169 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स 170 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन होल टू द पावर एन माइनस वन बाई एन। तो पहले ये क्वेश्चंस करते हैं, और आप देखोगे कि इसमें जैसे हम और दो तीन क्वेश्चन इसके अलावा लेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछ रहा है और एडवांस में भी जो आए हैं, एडवांस में हालांकि इस चैप्टर का वेटेज कम ही रहता है, बट इसके बावजूद ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं टाइप वन पे, इसलिए इसको पहला टाइप बनाया हमने ताकि ये अच्छे समझ में आए। ओके, कम टू 167। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या आ गया था इसमें, 1 बाई एन एल एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस सी। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं तो फटाक से भी आंसर आ जाता है, हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, एक मिनट से कम ही लगेगा। इसमें आ जाओ, देखो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू मान लिया इसको 167 को एक्स टू द पावर 7 डी एक्स बाय, देखो इसमें क्या करो, हाइएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, वो कॉमन ले लो, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर की तरह निकलेगा एक्स टू द पावर 10, भाई पावर 5 है ना, तो 10 बाहर आ गया। अब 10 बाहर आया तो यहाँ पर क्या बना ब्रैकेट में, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 5 एज इट इज, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल इतना बचा डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 5। अब आप देखो जो आपका इंटीग्रेंड है वो तैयार है कि नहीं, अब तो दिख गया होगा क्या करना चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे क्या करो t मान लो, तो माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स की जो वैल्यू है डी टी हो गई, मतलब डी एक्स बाई एक्स क्यूब इज माइनस 1 बाई 2 डी टी। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू ये माइनस 1 बाई 2 और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये पूरा डी टी बन चुका है, डी टी अपॉन इसको आपने टी माना था तो टी की पावर 5, ठीक है। अब जो टी की पावर 5 है ऊपर जाकर टी की पावर माइनस 5 हो गया, तो टी की पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 अगर फॉर्मूला लगाएं तो 1 बाई 8 इंटू टी की पावर माइनस 4 प्लस सॉरी, तो टी की पावर माइनस 4 टी किसको माना था,
तो 1/8 टी माना था हमने 1/x²-1 को, और इसकी पावर 4+c, तो ये आ जाएगा फाइनली एक्स की पावर 8 जो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 8 × 1 − x²⁴+c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर है। 168 में देखो क्या करेंगे, देखो यहां पर x की पावर 4 है और ये है x³+1। अब अगर आप यहां से x³ कॉमन लेते हो तो बाहर x की पावर 6 निकलेगा तो 10 हो जाएगा, फिर क्या करें उसमें, फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो 1 + 1 x³ बन गया। अगर आप उसका डिफरेंशिएशन भी करते हो तो x की पावर 4 बनेगा। हाँ बिल्कुल, देखो प्रोसेस तो शुरू करो, एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ फिर से दिखेगा। तो dx/, क्योंकि अभी प्रेजेंट स्थिति में तो कुछ कर नहीं सकते, तो x³ कॉमन लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं होता भाई x³ ही ले कॉमन, कई बार ऐसा भी होगा जब आपको x कोई एक कम पावर लेनी हो, मान लो x लेना पड़े कॉमन या x² लेना पड़े, तो बस यही जुगाड़ रहते हैं, या तो x कॉमन लो या तो x² लो या तो पूरा x³ लो, जिससे भी सेटलमेंट बैठ जाए वो देखना है अपने को। तो x³ ले लिया फिलहाल, तो यहाँ पर बाहर x की पावर 10 हो गया, और ये 1 + 1/x³ का होल स्क्वायर। तो इफ वी पुट 1 + 1/x³ इज इक्वल टू टी, तो −3/x⁴ dx इज इक्वल टू dt, ऐसा बन गया। तो dx/x⁴ इज इक्वल टू −1/3 dt। तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई है कि जो x की पावर, एक बार इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, dx/x⁴ × x³ का स्क्वायर, क्योंकि जो x की पावर 6 और बचा, और 1 + 1/x³ का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर आप एक बात देखो कि जो 1/x³ की वैल्यू है वो t − 1 है, समझ रहे। तो एक तो dx/x⁴ ये तो −1/3 dt बन गया, पूरे को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा t में। अब तो dt/ 1/x³, 1/x³ है t − 1, तो मतलब ये हो गया 1/x − t − 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा ये 1/ में है तो सीधा t − 1 × dt। और ये क्या बना, ये t माना था आपने तो केवल t²। देखो देखने में कुछ आसान सा लगा के मामला भी, तो −1/3 t²−2t + 1/t²dt, ऐसा दिख रहा है ये। तो −1/3 अलग अलग के बाई करो, तो एक तो 1 हो गया, एक माइनस का 2/t हो गया, और एक 1/t² हो गया dt। अब ये इंटीग्रेशन करना हमें इजी लगेगा, तो −1/3 t − 2 ln mod t − 1/t + c। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी हमने 1 + 1/x³ को माना था, तो −1/3 1 + 1/x³ − 2 ln 1 + 1/x³ − 1/1/x³ और प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आपका आंसर हो गया। आ गया 168 समझ में, ओके 169 में देखो क्या करेंगे। 169 का क्या जुगाड़ किया जा सकता है,
169 लेट i इक्वल टू डिनोमिनेटर से x क्यूब कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ x क्यूब कॉमन लेके यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बाय, यहाँ से x क्यूब कॉमन लिया तो ये क्या बना, 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे कुछ फ़ायदा है क्या, हैं इसका कुछ फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इसको, तो चलो ठीक है ये कट जाएगा। अब इसको t मान लिया अगर तो, लेकिन ये तो 1 है ना अभी रास्ते में, तो फिर क्या करें अभी, तो फिर x क्यूब ना कॉमन लेके कुछ कम लेके देखो, कुछ सेटलमेंट बैठ रहा है क्या, नहीं तो आंसर तो इससे भी सेट होगा कुछ ना कुछ, सोचो क्या करना है। हालांकि इससे कर सकते हैं, इसको हम एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और अलग अलग के बाई कर लो, तो जब अलग अलग के बाई करेंगे तो एक तो डी एक्स अपॉन 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा बचेगा, और प्लस दूसरा क्या बचेगा, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2 बाई एक्स क्यूब होगा प्लस का, तो ये माइनस यहाँ लगा दो कोई बात नहीं, 2 बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ 1 बाई 2 कर लो और यहाँ इंटू 2 कर लो, तो अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है, तो अपने पास जो काम करने के लिए रह गया वो ये रह गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है एक्स स्क्वायर ऊपर कर लिया, 4 कॉमन भी ले लो चाहो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 ऐसा बन जाएगा राइट, और माइनस 1 बाई 2 एल एन मोड 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 बाई 4, अब इसमें एक जुगाड़ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 डी एक्स, माइनस 1 बाई 2 एल एन मोड 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो केवल x आ जाएगा, तो 1 बाई 4 एक्स, और प्लस 1 बाई 16, और इसको पहचानो देखो ये क्या बन रहा है, ये तो रट रटा है फॉर्मूला है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a एल एन मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c है ना, और माइनस 1 बाई 2 एल एन मोड 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 16 ऐसे कैसे, 1 बाई 2 ए, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 बाई 2 है, एल एन मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 बाई 2 एल एन मोड 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 लिख लेना, बाकी तो और कुछ एडिट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है तो ये हमारा 169 भी हो गया, अब 170 पे देखो क्या करेंगे। एक्सपेंड से मतलब क्या है, एक्स कॉमन लेके 4x स्क्वायर माइनस 1 लिखो, और एक्स कॉमन लेंगे खाली, ओके तो 4x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, हाँ भाई नचिकेत लास्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे।
एन कॉमन ले लेंगे, 170 में ये है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन, देखो इसमें से हम क्या करेंगे x की पावर n कॉमन लेंगे तो बाहर जो निकलेगा वो x की पावर n माइनस वन निकलेगा और x स्क्वायर पहले से ही है तो x की पावर n प्लस वन हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर पहले से था और बाहर निकला x की पावर n माइनस वन जब आपने x की पावर n कॉमन लिया, और ये बनेगा 1 अपॉन x की पावर n प्लस वन होल टू द पावर n माइनस वन बाई n, ऐसा हो गया ये। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो dx अपॉन x की पावर n प्लस वन इन ब्रैकेट x की पावर माइनस n प्लस वन होल टू द पावर n माइनस वन बाई n। अब आप इजीली समझ सकते हो कि हमें x की पावर माइनस n प्लस वन को t मान लेना चाहिए, जब हम इसको t मानेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस n x की पावर माइनस n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे आप ऐसा लिख सकते हो डी एक्स अपॉन x की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई n डी टी। ओके, तो माइनस वन बाई n और डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, ये पूरा डी टी बन गया बस। अब तो डी टी अपॉन टी टू द पावर एन माइनस वन बाई एन ऐसा बन गया। अब इसको तो करना कुछ बहुत भारी भारी काम है नहीं यार, तो माइनस वन बाई एन इसे ऊपर ले जाओ तो टी की पावर वन माइनस एन बाई एन ऐसा लिख सकते हैं आप इसको इन टू डी टी, तो माइनस वन बाई एन क्या बन जाएगा फॉर्मूला t की पावर 1 माइनस n बाई n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n बाई n प्लस 1 प्लस c, तो माइनस 1 बाई n इन टू n यहाँ चला गया, तो t की पावर 1 बाई n अपॉन ये भी 1 बाई n और प्लस c, n से n कैंसिल, तो माइनस t, t किसको माना था भाई x की पावर माइनस एन प्लस वन को की पावर वन बाई एन प्लस सी, यही आंसर है। और चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस वन अपॉन x की पावर n प्लस वन टू द पावर वन बाई एन प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम चार पांच क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो जेई मेन या एडवांस में पूछे गए हैं इसी टाइप के ऊपर, बिफोर गोइंग टू द टाइप टू। इंटीग्रेशन x की पावर 2 माइनस x की पावर माइनस 2 बाय x इंटू रूट x टू द पावर 2 प्लस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डी एक्स 172 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर इंटू x प्लस रूट वन बाई x स्क्वायर, नहीं रूट वन प्लस x स्क्वायर 173 इंटीग्रेशन x माइनस वन इंटू डी एक्स अपॉन x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 174 इंटीग्रेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर 175 इंटीग्रेशन एक्स कोस अल्फा प्लस वन इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स कोस अल्फा प्लस वन होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर और चार पांच क्वेश्चन लेंगे इसी के ऊपर। ओके, तो 171 देखो भाई, देखो एक तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये 1/x² है ना, तो 1/x² लिख लिया इसको, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 बाय जो x² यहाँ डिनोमिनेटर में आया था वो यहाँ x³ बना देगा आके, मतलब x² ये आ गया और x पहले से था, इसको भी लिख लिया ऐसे ही 1/x², तो 1/x² लिखा तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, ये x² बन जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा खाली, तो 1/x और अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x² ऐसा है फिलहाल, तो जो आपका क्वेश्चन है ये dx, मतलब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि x की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx बाय x² इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। अब इसके बारे में सोचो कि क्या कर सकते हैं, या जैसे लिखा था वैसे ही सही था, ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब यही करना है, कुछ लगाओ आइडिया इसमें क्या लगा सकते। देखो इसमें क्या करो, आसान है, पहला स्टेप हमेशा इन क्वेश्चंस में ध्यान रखो कि जो अंडर रूट के अंदर हाईएस्ट पावर है ना वो पहले कॉमन ले लो, अगर वो तरीका काम ना करे तब किसी दूसरे के बारे में सोचो। तो यहाँ पर एक्स पावर 4 हाईएस्ट पावर है, जो भी रेडिकल साइन के अंदर हाईएस्ट पावर रहेगी पहले वो कॉमन लेके देख लेना है कि वो काम करता है कि नहीं करता है। अब हमने एक्स पावर 4 कॉमन ले तो बाहर कितना निकलेगा, x² निकलेगा, तो लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, तो उम्मीद तो कम लग रही है वर्क करने की, तो x² कॉमन ले लो, क्योंकि देखो x पावर 4 बना, समझो बात को, ऐसा नहीं कि अपन लेके चल दे तो ऐसे ही आ जाएगा, x पावर 4 बना अलग अलग के बाई किया तो यहाँ 1 - 1/x² बनेगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1/x² + 1/x4, तो उसको t वगैरह कुछ मान के ऊपर का कल्याण तो नहीं होता, इसलिए इसमें से अब x² कॉमन लेके देखो, x² कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन, जब x² कॉमन लेंगे तो बाहर x निकलेगा, बाहर x निकला तो यहाँ x³ हो गया, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, ये x² बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/x² बचा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते कि नहीं, x³ को यहाँ ले जाओ साथ में इसके, तो ये क्या बनेगा 1/x बचेगा, x - 1/x³ डी एक्स अपॉन अंडर रूट x² 2 + 1 + 1/x²
अब देखो दिख रहा है कि नहीं, अगर आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी लेते हो तो देखिए क्या बन रहा है, टू एक्स प्लस जीरो माइनस टू बाई एक्स क्यूब इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो टू कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्यूब इन टू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी, ऐसा बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो गया है वन बाई टू डी टी अपॉन रूट टी, और रूट टी मतलब टू रूट टी, वन बाई रूट टी का तो टू रूट टी होता है, तो वन बाई टू इंटू टू रूट टी प्लस सी। तो अंडर रूट टी किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को प्लस सी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस सी, दैट्स इट। तो ये आपका 171 इज डन। अब आते हैं 172 पर, ट्राई करो 172। मिटा दूं ऊपर से, अमित आज तो 200 हो जाते अपने भाई, है 200 पार होने वाला है हमने, 25 क्वेश्चंस बस सेकंड सेंचुरी लगने से। ओके हाँ बिल्कुल सही बात है नचिकेत, ऐसे ही करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो वो बाहर निकला यहाँ एक्स, फिर एक्स कॉमन लिया तो ये बना एक्स क्यूब, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका वन बच गया है, प्लस अंडर रूट वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको टी या टी स्क्वायर मान लो जो आपको अच्छा लगे, तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने टी स्क्वायर मान लिया, तो ये माइनस का टू बाई एक्स क्यूब बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, टू से टू भी कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस का टी डी टी आ गया है, माइनस टी डी टी, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये जो है ये तो माइनस का टी डी टी बना, तो माइनस तो बाहर लिख लेते हैं और ये हो गया टी डी टी, टी डी टी अपॉन वन प्लस टी, बस तो मस्ती हो गया काम यार, टी बन गया ना यार, तो वन ऐड करो वन सब्ट्रैक्ट करो अलग अलग के बाई करो आंसर पाओ। तो देखो फॉर्मूला तो इसमें कुछ नया नहीं है, बाकी क्वेश्चन यही आते हैं सारे, बस खाली जुगाड़ करना होता है, सेटलमेंट बिठाओ, और ये चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब हमें पीछे के मेथड्स क्लियर हों और फॉर्मूले याद हों, ये ज़रूरी है।
तो 173 ट्राई कर रहे, ये तो हो गया ना 172 डन। ओके 173 देखो लगा के कुछ आइडिया इसका किसी को? हाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन, हाँ ऊपर भेज देंगे, इसके नीचे वाले को टी मान लेंगे। बिल्कुल सही है, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी को टी मान लेंगे, तो नीचे नीचे को पूरा बन जाएगा 1/√t, मतलब 2√t बनना है। बहुत बढ़िया, 173 इज डन। 174 आदित्य कुछ बन रही बात देखे भाई, यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बना, फिर वो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर एक्स स्क्वायर ही बन गया, तो ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना चाहिए? हाँ यहाँ तो हाँ, और ये पूरा यही बन जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो 174 में इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो एज इट इज रखो अभी फिलहाल, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स निकलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसा फाइनली। अंडर रूट यहाँ केवल सी स्क्वायर रह गया, माइनस यहाँ पर ए एक्स रह जाएगा और यहाँ पर बी बाई एक्स हो जाएगा का स्क्वायर, ऐसा बन गया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके कि यहाँ पर केवल ए रह जाएगा और माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू डी एक्स बाय अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को टी मानो खाली, ये तो दिख रहा होगा ना किसको टी मानना है, केवल इसको टी मानना है पूरे को नहीं। तो इससे क्या होगा, ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है वो डी टी हो गया। तो आपका क्वेश्चन बन गया है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डी टी अपॉन dt अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये तो रट रटा है भाई, किसका फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स टी बाई सी बस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता ना, तो ये साइन इनवर्स टी बाई सी हो गया, 1/a नहीं आता इसमें प्लस सी। अब ये सी की जगह यहाँ पर सी वन ऐड कर देना क्योंकि सी सी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है जो सी वन है, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स टी हमने किसको माना था भाई, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को बाई सी प्लस सी वन। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन इनवर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस सी वन, वेयर सी वन इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ये आपका हो गया 174। चलो भाई 175 पे आ जाओ, क्या करेंगे इसमें, डिनोमिनेटर को टी मान के सीधा सीधा बन गई बात,
3/2 हटाएंगे, मुझे लगता है पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए डिनोमीटर से, डायरेक्ट हटाएंगे कैसे, पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लो, उसके बाद कुछ देखो जुगाड़ बनता है क्या है? हाँ, कोस अल्फा एक्स कोस अल्फा प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स कोस अल्फा प्लस वन होल टू द पावर 3/2, ऐसा ही है। चलो करते हैं ना इसको, क्या दिक्कत है, इस एक को भी क्यों छोड़ना। वन सेवेंटी फाइव इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखो यहां से जब हम डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो बाहर एक्स क्यूब निकलेगा क्योंकि पावर 3/2 है ना, तो ये ऐसा बन गया एक्स कोस अल्फा प्लस वन डी एक्स बाय एक्स क्यूब वन प्लस टू कोस अल्फा बाई एक्स, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अब क्या करो, पुट वन प्लस टू कोस अल्फा बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लो या टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लो कोई बात नहीं, 3/2 है तो वो भी मैनेज हो जाएगा, तो 0 माइनस टू कोस अल्फा बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, ऐसे ही बना, ऐसे ही बन रहा ना 2t dt। तो भाई 2 से तो 2 का कल्याण हो जाएगा दोनों साइड से, और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो माइनस कॉमन लेके एक्स क्यूब ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर आपका एक्स कोस अल्फा और प्लस वन इन टू डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी, आएगी बात समझ में। तो ये जो इतना कार्यक्रम है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो माइनस का टी डी टी बन गया है, तो माइनस टी डी टी बाय, और ये हमने पूरा टी स्क्वायर माना था, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब टी क्यूब, टी क्यूब मतलब माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर, ये माइनस वन बाई टी बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई टी प्लस सी, और टी हमने जिसको माना था वो आपको पता ही है, वन बाई अंडर रूट वन प्लस टू कोस अल्फा बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके। चलो अब दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं जे एडवांस में आए हुए जो इसी टाइप पे पूछे गए, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, मतलब अभी तक तो इसके ऊपर अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक 15 क्वेश्चन हो गए हैं टाइप वन पे, 161 के आगे इसी के ऊपर हैं सारे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं इसमें जितने आते रहेंगे अभी आगे आगे, बट ठीक है। अब देखिए ये आपका सवाल है 2002 का है एक, फिर 2006 में है, तो 176 ये है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, फॉर एनी m बिलोंग्स टू n, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x टू द पावर m इंटू टू एक्स की पावर 2m प्लस 3x की पावर m
प्लस सिक्स होल टू द पावर वन बाई एम डी एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपका 2002 में पूछा गया था, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स का। इसके बाद 2006 में आया, वो तो ऑब्जेक्टिव था, वो अभी इसके बाद करेंगे, तो पहले इसको निपटाते हैं। देखो ये भी एक्चुअली अपना मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड का ही है, तो इसमें आपको ये इंटीग्रेंड है पूरा पूरा इसको मैनिपुलेट करना है इस ढंग से जैसे अभी तक करते आए हैं कि वो इंटीग्रेशन होने के लायक बन जाए, तो अभी तो नालायक है, मतलब ये देखो ये तो लायक करना है इसको, तो बनाओ भाई लायक बनाओ इसको। क्या कर सकते हैं देखो, क्या जुगाड़ कर, किस में से एक्स, किस में से क्या, इसमें से एक्स की पावर एम निकालो, और वो एक्स की पावर एम जब अंदर जाएगा तो वो एक्स बन के जाएगा, ऐसा, हाँ वो एक्स की पावर एम एक्स निकालेंगे और एक्स की पावर, लेकिन उससे फायदा होगा क्या हमें, बराबर है, करेक्ट है, इसमें से आप एक्स कॉमन ले लो, करेक्ट है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इसमें से क्या करो, एक्स कॉमन ले लिया, जो एक्स कॉमन लिया वो कॉमन लेने के बाद ये ऐसा बन गया, एक्स की पावर 3m-1 प्लस एक्स की पावर 2m-1 प्लस एक्स की पावर m-1, और जो एक्स कॉमन लिया वो ये एक्स रहा, और इनटू 2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6 होल टू द पावर 1 बाई m dx, ऐसा है। अब जब इस x को अंदर लेके जाएंगे तो ये x की पावर m बन के जाएगा अंदर, तो x की पावर 3m-1 प्लस x की पावर 2m-1 प्लस x टू द पावर m-1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, तो क्या बन जाएगा 2x की पावर 3m, क्योंकि x की पावर m गया ना अंदर, तो यहाँ पर क्या बना 3x की पावर 2m और 6x की पावर m होल की पावर 1 बाई m dx। अब तो मुझे लग रहा है क्लियर दिख गया होगा, क्या होना है इसमें भाई, क्या दिखा है शुभम, इसको अच्छे बच्चों की तरह टी मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 6 कॉमन लेके, 6m कॉमन लेके एक्चुअली वो ये है कि नहीं, तो पुट यहाँ लिख रहा हूँ, पुट 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m इज इक्वल टू टी, इसको t एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 6m इंटू x की पावर 3m-1 प्लस 6m इंटू x की पावर 2m-1 प्लस 6m इंटू x की पावर m-1 dx इज इक्वल टू dt। तो 6m कॉमन लेके बाकी का ये पूरा dt बन गया है, तो आपका सवाल सिंपल इतना हो गया, 1/6m ये और ये मिलके dt बन गया, और ये t माना था आपने, तो t की पावर 1/m dt, तो 1/6m t की पावर 1/m+1/1/m+1+c, तो t की पावर m+1/m ये 1+m/m बनेगा, m कट जाएगा, तो 6×1+m+c, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो t हमने माना था 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m होल टू द पावर m+1/m होल अपॉन 6×m+1 प्लस सी। देखो भाई यही आ रहा है सबका आंसर, कोई मिसमैच, आज तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में तुम लोग सवाल मुझसे ज्यादा सॉल्व करवा रहे हो। बाकी दिन तो मुझे ज्यादा फायदा मिल जाता था कि तुम लोग ज्यादा करते थे, आज मुझे सारे ही करने पड़ रहे।
ओके चलो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी भाई मेरी भी। ओके मिटा दूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन मिटा रहा खाली बस। लो भाई 177 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 2006 का क्वेश्चन है IIT एडवांस का आपका। इसके बारे में सोचो, अभी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, फिर आपको लग जाएगा पता कितने भारी सवाल पूछते हैं पेपर में। x²-1 dx / x³(√2x^4 − 2x²+1) नहीं, यहाँ x^4 आया था पहले, तो करो भाई पूरा करो कंप्लीट, पीछे मत देखो, फिर से कर लो। ये आपकी शीट में exercise 3 part 1 का question number 4 है, जब आंसर आ जाए तब मैच कर लेना। थिंक x² कॉमन ले लेना चाहिए इसमें से, फिर बाहर x निकला, फिर ऊपर ले गए उसको, जुगाड़ कर लो। ठीक है कि x^4 लेना चाहिए, 4 भी ले सकते, 4 लिया तो बाहर x² निकलेगा और ऊपर वाला सेटलमेंट जल्दी दिखेगा। ठीक है ऐसा ही करो, x^4 ही लो कॉमन, पहले तो एक बार हाईएस्ट पावर लेके देख ही लेना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कम में काम चलते क्या। इसका आंसर लिखूं कि है आपके पास, हो गए ना सब लोगों के पास आंसर मैच किया? ओके आ गया ना, अब ये ट्राई करो 178 इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x + 2 बाय अंडर रूट 4x² + 8x + 13 dx। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, आप इसको इजीली पहचान सकते हो, अभी कॉमन ओमन की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें तो। देखो ये ऐसा लिखा है, कितना हो गया 4, बाकी 9 बच गए, समझ गए? तो पुट 2x + 2 = 3 tan थीटा, तभी तो वो कॉमन लेके 1 + tan²θ बनेगा, बस इतना सही काम था इसमें। और अगर एक बार में बात समझ में नहीं आया तो 2x + 2 को पहले तो टी मानोगे, फिर t/√t²+9 बनेगा, फिर t की जगह भी तो लिखना ही पड़ेगा ना 3 tan θ, तो सीधा ही भी मान लिया, एक ही बात होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
ये जेई मेन में पूछा गया 2015 में। और एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं नेक्स्ट मेथड पे जाने से पहले। ये मेन में 2016 में आया। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इनडेफिनेट इंडिकेशन में, जेई एडवांस में, लास्ट 10 इयर्स में। उनमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, 4 और बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो कुतुर पुतुर का टाइप 1 है कंप्लीट होता है 180 क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है, टाइप 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्विन इंटीग्रल्स। ट्विन इंटीग्रल्स के बाद में फिर नेक्स्ट आएगा टाइप 3, जिसका नाम है फोर्सिंग इंटीग्रेंड बाई पार्ट्स। फोर्सिंग इंटीग्रेंड बाई पार्ट्स का मतलब होता है कि जो इंटीग्रेंड आपको दिया जाएगा उसमें आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट आप ऐसा कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे, तो हमें उसमें कुछ जुगाड़ करके उस इंटीग्रेंड को इस तरीके से तैयार करना है कि हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके सोल्व कर सके, ठीक है ना। तो वो हम 2 मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू।